ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम जी। आइए जानी मिथुन राशि का हाल। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इस समय कल्याण के अंदर बैठे। मंत्र इस वर्ष जहां 8 अप्रैल से नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, सोमे नामक सम्मत, सम्मत 2073, उसके जो मंत्री का पद मिला है बुध देवता को मिला है। बुध कल्याणकारी हैं, बुद्धि के देवता हैं। मिथुन राशि वाले विशेष ध्यान रखें, बुद्धि भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, धन का आगमन भी होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 2 तारीख से आपका भाग्य दोदय हो जाएगा, लेकिन गाय गौ माता को चारा, हरा चारा आपको खिलाएं तो कल्याण होगा। उससे जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके इस माह पूर्ण होने के पूर्ण योग बनते हैं। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और हरा रंग बुध का रंग है, और गौ माता को अगर आप हरा चारा खिलाएंगे तो आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। कुछ मानसिक तनाव लेकिन तो रह सकता है, लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखें, मिथुन राशि वाले के अप्रैल का महीना कुछ धन खर्च भी अधिक करवाएगा। वो कैसे? कुछ घर में मांगलिक कार्य होंगे, किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हो, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। धन आए लेकिन खुशियों में खर्च हो जाए तो ये और खुशी होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। केवल एक गौ माता को हरा चारा खिला दिए कीजिए। जय श्री राम। मिथुन राशि का भाग्य प्रतिशत रहेगा 80%। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके आप हमें भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। क्यों? क्योंकि ईश्वर सदा हमारे साथ है। जय श्री राम।